दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट अड्डा में। तो आज आपसे मैं चर्चा करूंगी चित्रकार एमोफ हुसैन के बारे में। इनके चित्रकारी पे वह इन पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वे TGT हो या PGT हो। नेट में भी इनके कुछ बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये हर कलाकार के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ज़्यादा बड़ा ना बताकर आपको हर एक आर्टिस्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपना अटेम्प्ट कर पाएँ और उसको चीज़ों को समझ पाएँ। किसी भी आर्टिस्ट के बारे में आपको उसका प्रेजेंट पता होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री आप नहीं भी पता हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका उनको जहाँ से वो मूव करते हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस आता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप चित्र कला को देखकर उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सके, वह उसके टाइम पीरियड को समझ सके। तो आज हम बात करेंगे एमएफ हुसैन के बारे में। एमएफ हुसैन बहुत ही प्रख्यात कलाकार रहे हैं, भारतीय कलाकार हैं, और इन्होंने बहुत ही प्रशंसापूर्वक कला कीर्तियाँ बनाई हैं जिनको बहुत ही प्रशंसा मिली है। तो इनका नाम है, हम बात करेंगे, इनका नाम है, पूरा नाम है इनका मकबूल फिदा हुसैन। इनका जन्म 17 सितंबर 1915 में सोलापुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 जून 2011 में हुई। ये 95 साल में होकर ये मरे थे, ये लंदन में मरे थे। उसके बाद हम इनकी जो एजुकेशन है, इनके ज़्यादातर आर्टिस्ट जो आपको मिलेंगे वो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से मिलेंगे, जो मुंबई में स्थापित है, और इनको जाना जाता है सिर्फ ये पेंटिंग करते थे। कई आर्टिस्ट होते हैं जो पेंटिंग भी करते हैं, प्रिंट मेकिंग भी करते हैं, स्कल्प्टर भी हैं, तो ये सिर्फ पेंटिंग करते थे। तो आपको आर्टिस्ट का पता होना चाहिए कि वो क्या करते हैं, मतलब किस 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 में उनका मुख्य भूमिका है या किस किस में वो काम करते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये वाला कलाकार किस तकनीक में काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑयल पेंट करते हैं या फिर जल कलर करते हैं, रंग करते हैं, तो वाटर कलर करते हैं, तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। इनके जो वर्क हैं वो है मीनाक्षी, अ टेल ऑफ 3 सिटीज़, थॉट द आइज़ ऑफ द पेंटर। इनकी गजगामिनी इनका बहुत ही फेमस है जो काम है, और इनका जो इन्होंने मूवमेंट ज्वाइन किया था, मूवमेंट जो था इन्होंने, तो वो था बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। कई बार ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि बॉम्बे BPA में कौन कौन कलाकार थे, तो आपको पता होना चाहिए कि एमएफ हुसैन उनमें से एक थे। इनको जो उन अवार्डों से नवाजा गया था वह थे पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पद्म भूषण जो इनको मिला 1973 में मिला, और पद्म विभूषण 1991 में इनको प्राप्त हुआ। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि एमएफ हुसैन का नाम मकबूल फिदा हुसैन है। हुसैन सिर्फ सरनेम से भी पुकारा जाता था। इनका जो जन्म था वो 17 सितंबर 1915 में महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र के पोढ़ापुर में हुआ, और इनकी मृत्यु जो हुई 9 जून को हुई थी। ये इंडियन आर्टिस्ट हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक होता है कि बहुत ही जाने माने हैं। इनका जो काम देखते हैं हम, उनमें क्या है, ये अपने काम को बहुत अपने काम को बहुत बोल्ड, वाइब्रेंट और कलर्ड, और इनकी नैरेटिव पेंटिंग्स में इनके काम में हमें देखने को मिलती है। और इनका जो स्टाइल हम देखते हैं, जो ये मॉडिफाई हुए हैं स्टाइल से, वो है क्यूबिस्ट स्टाइल है, जो 1907 में यूरोप में आंदोलन हुआ था, उसको क्यूबिज़म कहा गया था, हिंदी में कहे तो उसको घनवाद कहा गया था। तो उसके आधार पर इनका जो इन्फ्लुएंस हम देखते हैं वो क्यूबिस्ट है। क्यूबिस्ट मीन्स जो क्यूब से बना हो, जैसे क्यूब है तो उसके आधार पर ये चित्रांकन करते हैं। ये बहुत ही ये नेशनल इंटरनेशनल का आर्टिस्ट है। इनके एग्जीबिशंस बाहर भी हुए हैं, इंडिया में भी हुए हैं, और ये 20th सेंचुरी के कलाकार हैं, तो आपको ये चीज़ पता हो। फिर 1935 में उन्होंने फिर मूव किया, जो कि मुंबई की तरफ चले गए। ये फिर उसके बाद
और इन्होंने बॉम्बे में या मुंबई में काम करना शुरू किया, जो कि वहाँ पर पेंट किया, ग्राफिक की, बिलबोर्ड किया और एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने डिज़ाइनिंग में उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके बाद इनका जो फर्स्ट सीरीज एग्जीबिशन जो लगा था वो 1947 में लगा था और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में लगाया था। इनको इनवाइट किया गया था तो फिर वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर 5 अदर पेंटर्स इन फाउंडिंग द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, तो वहाँ पर फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की गई थी। हुसैन हु बिकम नोन एज द पिकासो ऑफ इंडिया, तो याद रखें कि पिकासो का, इंडिया का पिकासो किसे कहा जाता, तो इंडिया का पिकासो मकबूल फिदा हुसैन को कहा जाता था। इन्होंने बहुत ही क्रिएट वर्क किए हैं जो बहुत ही फनी भी हैं और बहुत क्रिटिक्स भी हैं, तो इनके जो काम हैं ऐसे देखते हैं। इनकी जो थीम है, जो वो थीम को जो चित्रकला की थीम मानी जाती है, उनके जो टॉपिक्स हैं उसमें मोहनचंद गांधी, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत और ब्रिटिश राज के मोटिव्स और जो इंडियन रूलर्स हैं, इंडियन अर्बन्स हैं, इनके रूल लाइफ के बारे में इन्होंने दर्शाया है। इनको अवार्ड दिया था, नेशनल ऑनर का अवार्ड दिया गया था, पद्म भूषण, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की, जो कि 1973 में दिया गया था, और पद्म विभूषण 1991 में इन्हें दिया गया था। और कई बार इनका क्या था कि ये मुस्लिम थे तो इनको इनको ट्रीट किया जाता था, इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था कई बार कि ये इनरेलीवेंट है, ये कुछ है, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट हैं जिनको ये बना रहे हैं, तो इस पर भी इन्होंने चर्चा की थी। और इनके जो और चीज़ें इंक्लूड की गई हैं उसमें हिंदू गॉडेस पेंटेड भी है, न्यूड फिगर्स भी हैं। वन ऑफ हिज बेस्ट नोन पेंटिंग्स जो कि जानी जाती है भारत माता ऑफ मदर इंडिया, जो कि उन्होंने डिपिक्ट की है ब्राइट रेड कलर में, जो कि न्यूड है, वुमेन में कलर है, ठीक है, सॉरी रेड कलर है और उसमें न्यूड वुमेन को दिखाया गया है उसमें उनके चित्र में। उसके बाद कुछ उनके सिग्निफिकेंट वो काम हैं जैसे कि इंक्लूड मैन, विष्णुवरिता एंड पैसेजेस थ्रू ह्यूमन स्पेस, आ सीरीज ऑफ 45 वाटर कलर्स कम्प्लीट इन 1970 में इन्होंने कम्प्लीट किया वाटर कलर सीरीज। ये इनकी कुछ पेंटिंग्स हम देखते हैं, यहाँ पे 3 था, ये हीरो हो गया, तो सॉरी इस चीज़ के लिए, 3 डायनेस्टीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम 3 फ्रेम को हम देखते हैं। हुसैन सेलिब्रेट 3 रूलिंग डायनेस्टीज फ्रॉम इंडिया लॉन्ग एंड, तो आप 3 डायनेस्टी देखेंगे जो कि डिपिक्ट करती है हर एक सिविलाइजेशन को। फर्स्ट सिविलाइजेशन जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है वो एंशिएंट मौर्यन है, फिर उसके बाद शिवल सिविलाइजेशन जो होता है सेंट्रल है, फिर उसके जो रूलर्स हैं, और उसके बाद आता है मुस्लिम मुगल डायनेस्टी और उसके बाद ब्रिटिश राज, तो 3 सिविलाइजेशन को यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद हम इसी प्रकार का एक और चित्रण देखेंगे जिसका नाम है इंडियन हाउस होल्ड्स, तो ये जो रिफ्लेक्ट करता है ये डोमेस्टिक लाइफ्स को रिफ्लेक्ट करता है, डोमेस्टिक लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है और ये डेली रूटीन वाले कामों को, अर्बन फैमिलीज़ के कामों को दर्शाता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है 3 जनरेशन को, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए 1 अप, ये 3 फ्रेम यहाँ पर जोड़कर ये 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गांधी एंड बुद्धा, जो कि एम एफ हुसैन का बनाया, ये बहुत ही फेमस वर्क है और इसमें क्यूबिस्ट स्टाइल है, इसको नरेटिव पेंटिंग्स है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम सारी पेंटिंग्स नहीं पढ़ सकते लेकिन हम कुछ कुछ पेंटिंग्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल या कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। ये देखिए न्यूड फिगर की बात की गई थी ऊपर, तो ये फीमेल न्यूड फिगर है, बहुत ही रेखांकित है, बहुत ही ब्राइट कलर है, जिसके बारे में चर्चा की गई थी। उसके बाद हम एक पेंटिंग देखेंगे बिटवीन द स्पाइडर ऑफ लैम्प, ये भी बहुत ही फेमस पेंटिंग है, तो याद रखें ये भी मेड बाय हुसैन है। उसके बाद हम देखेंगे पोर्ट्रेट ऑफ जामिनी रॉय, बहुत ही सिंपल काम है, लाइनों से इन्होंने काम किया है, बहुत ही सिंपल है, एक तरह का प्रिंट लग रहा है, तो इस तरह की चित्रकला हमें हम देखते हैं।
अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज का ये सेशन, आज की ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।